इंटरटेनमेंट फॉर यू के नाजरीन खुश आमदी। साबिक मैरीन और अफगानिस्तान के तजुर्बाकार उर्शाद को अपनी बीवी एमी की कैंसर की तजुर्बाती सर्जरी के लिए $231,000 की अशद जरूरत थी। डेनी, इसकी गोद लेने वाले भाई और ताहयात मुजरिम, जो इससे $32 मिलियन की बैंक डकैती में हिस्सा लेने के लिए बात करता है। अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, डेनी की तस्दीक के बाद विल इस बात से इत्तेफाक करता है कि वो ये एमी के लिए कर रहा है। यह मंसूबा तकरीबन इस वक्त तक कामयाब हो जाता है जब तक कि ऑफिसर जैक पार्कर, जो बैंक टेलर से पूछने के लिए बैंक जाता है, सूरत हाल का पता लगाता है और इसे डेनी के हाथों यरगमाल बना लिया जाता है। इसके बाद डकैती के अरकान में से एक और जैक के साथी ऑफिसर मार्क के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। LAPD का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन सिस पहुंचा, विल और डेनी के अलावा पूरे अमले को कत्ल और गिरफ्तार कर लिया, जो गैराज की तरफ पीछे हट गए। जैक फरार होने की कोशिश करता है और उसके और डेनी के दरमियान झगड़े के दौरान इसे गलती से विल ने गोली मार दी। जैक को मरने के लिए छोड़कर भाई इमारत के पिछले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे पुलिस ने घिरा हुआ पाया। इसके बाद उन्होंने एक फालुक एम्बुलेंस को हाई जैक कर लिया, जिसमें पैरा मेडिकल कैम्प थॉमसन सवार थे, जो जख्मी जैक का इलाज कर रहा है। एक पीछा करने के बाद जो उन्हें दिल्ली में ले जाता है, कैम आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए फरार होने की मायूसकुन कोशिश करता है, लेकिन जब जैक चपटा होना शुरू कर देता है तो वो ठहरने का फैसला करता है। SIS कैप्टन मनरो जाय वकुआ पर पहुँचते हैं और एम्बुलेंस का पीछा करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करते हैं। कैम डेनी को डेफ ब्रिलीटर इस्तेमाल करने में मदद करता है और उसका कुछ खून जैक को मुंतकिल करने में मदद करता है, जिससे इसकी उलझन और मायूसी होती है। इसके बाद डेनी पापी को फोन करता है, जो अपने गोद लेने वाले वालिद के मुजरमाना दोस्तों में से एक है, को $8 मिलियन के बदले पुलिस को खोने में मदद के लिए। जब कैम डेनी को मार्क को गोली मारने से रोकता है, जो उनका पीछा कर रहा था, डेनी इसे एम्बुलेंस से दूर फेंकने की धमकी देता है। पुलिस इस वक्त पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है, जब पता चला कि मनरो का कुत्ता नाइट्रो मार्क की पुलिस गाड़ी के अंदर है। FBI एजेंट आंसन क्लार्क, जो डेनी के माजी के दोस्त हैं, वो केस में डाल दिया गया है। जैसे ही जैक का खून बहना शुरू होता है, कैम विल की मदद से जैक की सर्जरी करना शुरू कर देता है, जिसकी तली फट जाती है। अपनी नातजुर्बाकारी के बावजूद कैम ने कामयाबी से सर्जरी की। कैम ने विल को डेनी को रोकने के लिए राजी करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मनरो सर्जरी की कामयाबी से बेखबर ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ता है और कैम की जिंदगी के लिए बातचीत किए बगैर विल और डेनी को छीनने की तैयारी करता है। क्लार्क कैम को कॉल करता है और इसे नीचे उतरने को कहता है। कैम जैक की जान बचाना चाहता है, विल और डेनी को स्नाइपर्स के बारे में अलर्ट करता है। डेनी के पास काफी कैम होने के बाद इसे गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन विल मुदाखलत करता है, जिसकी वजह से भाइयों को उनकी हालत के बारे में लड़ना पड़ता है। बाद में वो जज्वी तौर पर सुलह करते हैं और तनाव को कम करने के लिए एक साथ मौसीकी सुनते हैं। दरियाए लॉस एंजलस में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का पीछा करते हैं, जब डेनी ने उन पर गोली चलाई। फिर विल और डेनी इंटरस्टेट की मुखालिफ लेन पर गाड़ी चलाते हैं, जिससे मुतअद्दिद हादसात होते हैं। पापी के हुक्म पर इसका बेटा रोबर्टो सी 4 धमाका खेज मवाद से भरने के बाद एक खाली एम्बुलेंस को पुलिस की तरफ चलाता है और इजाफी नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग कारों पर मशीन गिने लगाता है, जो क्रॉस फायर में मनरो को जख्मी कर देता है। मार्क ने रॉबर्टो का पीछा किया और गलती से उसे एक झगड़े के बाद खुद को गोली मारने पर मजबूर कर दिया, जिससे पापी नाराज और परेशान हो गए। विल और डेनी पापी के ठिकाने की तरफ फरार हो जाते हैं, जहाँ पापी भाइयों से मुतालबा करता है कि वो जैक और कैम को उनके साथ छोड़ दे। विल ने तावुन करने से इनकार कर दिया और पापी और उसके अमले को मारने के लिए डेनी के साथ टीमें बनाए। अफरा तफरी में कैम ने गलती से जैक की बंदूक का इस्तेमाल करते हुए विल को गोली मार दी, से गैंग के मेंबरों में से एक समझकर। डेनी एम्बुलेंस को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जैक की बंदूक का पता चलता है और वो मुश्तैल हो जाता है, जब कैम ने इंकशाफ किया कि विल को गोली मारने वाली वही थी। डेनी ने पुलिस का सामना करने से पहले लाइव टेलीविजन पर अपने साथ कैम को मारने का अहद किया। विल कोई और चारा नहीं छोड़ता, डेनी को पीठ में गोली मार देता है। डेनी अपने जख्मों से मरने से पहले विल से मुआफी मांगता है। पुलिस एक शदीद जख्मी विल को गिरफ्तार करती है और उसे सर्जरी के लिए अंदर ले जाती है। कैम ने चोरी की कुछ रकम एमी को उसकी सर्जरी के लिए दी है और जैक से जब पुलिस ने इसके जख्मों के बारे में पूछ गुछ की, तो वो बताता है कि विल ने इसकी जान बचाई।